हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की थ्योरम नंबर 6 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिंकलविच एल्गोरिथम की डेफिनेशन की थी, जिसमें हमारे 4 स्टेप्स थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ थ्योरम नंबर 6 वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिंकलविच एल्गोरिथम की ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप ये थ्योरम स्किप करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बट ये थ्योरम आपको अगर पेपर में आती है तो आपको एज ए स्टेट एंड प्रूफ आएगी, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ डिंकलविच एल्गोरिथम। तो आपको इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारी, लेट एक्स स्टार बी ए ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू एक्स बिलोंग्स टू एस। यहां तक तो हमारी नॉन लीनियर फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन थी। नाउ मेन हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, देन सीक्वेंस क्यू ऑफ एक्स। सीक्वेंस को हमेशा हम कर्ल ब्रैकेट में डालते हैं। जनरेटेड बाय डिंकलविच एल्गोरिथम कन्वर्जेस टू रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, क्यू स्टार इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स स्टार अपॉन डी ऑफ एक्स स्टार। ये थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है और बहुत छोटी सी थ्योरम है। अगर आप पेपर में अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कर लेना, क्योंकि ये बहुत इजी थ्योरम है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लेम कर लेना है। दैट मीन्स हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमारी जो सीक्वेंस है क्यू के वो क्या होगी, बाउंडेड होगी, बाउंडेड अबव वाई क्यू स्टार। तो ये हमारा मेन टारगेट है कि हमने सीक्वेंस को बाउंडेड अबव प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने इसका कॉन्ट्रडिक्शन लेंगे, लेट कर लिया इफ पॉसिबल कि हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड अबव नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट सी देन देयर एग्जिस्ट क्यू टी बिलोंग्स टू क्यू के सच दैट क्यू टी इज ग्रेटर देन क्यू स्टार। इसका मतलब फंक्शन अप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो हमने थर्ड थ्योरम में भी प्रूव किया था। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ क्यू टी इज लेस देन एफ ऑफ क्यू स्टार, क्योंकि हमने किया थ्योरम 3 के थर्ड पार्ट में प्रूव किया था कि एफ ऑफ क्यू स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर क्यू डैश इज लेस देन क्यू डबल डैश है, देन अगर फंक्शन अप्लाई करने पे क्या आता है रिजल्ट, एफ क्यू डैश इज ग्रेटर देन एफ क्यू डबल डैश। ये देखो आप देख भी सकते हो कि क्यू डैश लेस देन क्यू डबल डैश, फंक्शन अप्लाई करने पे क्या आता है हमारा रिजल्ट, एफ क्यू डैश इज ग्रेटर देन एफ क्यू डबल डैश। अगर आपने ये थ्योरम नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आप थ्योरम 3 कर सकते हैं। यहां पे हमने रीजन दे दिया कि एफ हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब इफ क्यू डैश ले लेते हैं, इफ क्यू डैश इज लेस देन क्यू डबल डैश, देन फंक्शन अप्लाई करने पे ये क्या देता है हमें रिजल्ट, ग्रेटर देन एफ ऑफ क्यू डबल डैश। तो यहां पे भी हमने ये किया है, पहले क्यू टी ग्रेटर देन क्यू स्टार से थी, अगर फंक्शन अप्लाई किया तो हमें लेस देन दे रहा है, तो और एफ ऑफ क्यू स्टार हमारा छोटा है 0 से, तो हमने इन दोनों को कंसिडर कर लिया, एफ ऑफ क्यू टी इज लेस देन 0। प्रोसीडी शुड हैव स्टॉप एरर विच इज नॉट सो, इसका मतलब अगर लेस देन 0 आ जाती है तो इसको हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। वैसे भी हम लेके चले हैं थ्योरम 3 में कि एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0 और ये हमें यूनिक सोल्यूशन देता है, तो एफ ऑफ क्यू लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्यू के हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड अबव है बाय क्यू स्टार से। अगर बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि ये हमने रियल एनालिसिस में फर्स्ट सेम में प्रूव किए थे। तो
कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्यू के इज इक्वल टू क्यू डैश। तो हमने क्या किया, देन लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ क्यू के इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू डैश, और एफ ऑफ क्यू डैश किसके इक्वल होता है, जीरो के। ये हमने थर्ड थ्योरम में प्रूव किया कि एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो हैज यूनिक सोल्यूशन, और एफ हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। बाय यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन हमारे पास यूनिक सोल्यूशन क्या आ गया कि क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू स्टार है। इसका मतलब क्या है, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ क्यू के इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू स्टार इज इक्वल टू जीरो। यही हमने प्रूव करनी थी कि हमारी जो थ्योरम है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, और सोल्यूशन हमें क्या दे रहा है, यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, क्योंकि कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यही होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास यही आ रहा है, लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ क्यू के इज इक्वल टू जीरो। यहां पे कुछ होता था एच के, शायद ये होती थी लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एच अप्रोचेस इक्वल टू जीरो। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बस ये होता था कि हमारे लिमिट अप्लाई करने पे फंक्शन की वैल्यू जीरो के इक्वल आती थी, तो वो किसकी डेफिनेशन होती थी, कन्वर्जेंट की। आप एक बार रियल नेसिक की बुक पे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। सो यही हमने प्रूव करना था कि हमारी जो सीक्वेंस है क्यू के वो क्या है, कन्वर्जेंट है टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आया है, क्यू के, यहां आप बोल सकती है क्यू स्टार। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे जो आपको 16 मार्क्स में आएंगी। ज्यादातर इस टॉपिक की एग्जांपल्स आती हैं, तो आपने इस टॉपिक की 3 एग्जांपल्स हैं वो आपने अच्छे से कर लेनी है। थैंक यू।